नमस्कार, मैं हूँ रितेश वर्मा और इन खबर में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे पूर्वांचल के डॉन मुन्ना मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। डॉन पूर्वांचल का, डॉन पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसका शूटर पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और मारा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जेल में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल के हाथों। क्या राज हो सकता है इसका? क्या कोई इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है? जो आरोप उसकी पत्नी लगा रही है, मुन्ना बजरंगी की पत्नी का कहना है कि ये राजनीतिक इशारे पे हत्या हुई है। वो राजनीतिक इशारा क्या है? इशारा ये है कि 2005 में बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय यूपी के पूर्वांचल के गाजीपुर इलाके के एमएलए थे। उनकी हत्या में जो नाम आया, वो नाम आया मुख्तार अंसारी का, मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी का। मुन्ना बजरंगी 2009-10 के आसपास दिल्ली में गिरफ्तार हुए और तब से जेल में थे, और जेल में वो उनके ऊपर जिन जिलों में, जिन तहसीलों में मुकदमे दर्ज हैं, उन जिलों के कोर्ट कचहरी में उनका आना जाना लगा हुआ था। वो पुलिस की सुरक्षा में ही एक जेल से दूसरे जेल प्रोडक्शन वारंट पर जाते थे। बागपत में भी उन पर एक मुकदमा दर्ज था, और वो मुकदमा था बसपा के पूर्व एमएलए, बसपा के एक एमएलए लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने का। उस केस में सूत्रों का ये कहना है कि मुन्ना बजरंगी का नाम डायरेक्ट था भी नहीं, उसमें मुन्ना बजरंगी के एक आदमी ने लोकेश दीक्षित को फ़ोन करके रंगदारी मांगी, और उस केस में पुलिस ने उनको चार्जशीट किया, जिस केस में उनकी पेशी के लिए उनको बागपत जेल ले जाया गया था, झांसी जेल से। इस मामले में आप ये समझिए कि ये जो साजिश का एंगल आ रहा है, कि साजिश क्या है, वो साजिश का एंगल यहाँ से शुरू होता है कि झांसी जेल में जब वो मुन्ना बजरंगी बंद थे बागपत की जेल में, जिस रात सुबह उनकी हत्या हुई है उससे ठीक 12 घंटे पहले रात में वो मुन्ना बजरंगी झांसी की जेल से वहाँ पहुँचे थे, और उस बागपत जेल में लाने से रोकने के लिए उनका परिवार 2 महीने से कोर्ट कचहरी, पुलिस, चीफ मिनिस्टर सबको, तमाम लोगों को अप्लीकेशन, पिटीशन सब कुछ कर रहा था। उसके वकील यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे कि मुन्ना बजरंगी को 8 बीमारियाँ हैं, उसको आप अस्पताल में यहाँ इलाज कराओ, और कोर्ट ने कहा कि जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो इनको कहीं प्रोडक्शन के लिए ना ले जाया जाए। लेकिन इसके बावजूद झांसी की जेल से एक बच्चे के डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में मुन्ना बजरंगी को बागपत के जेल में भेजा गया। बागपत की जेल वो रात 9, 9:30 बजे पहुँचते हैं, अगली सुबह जगते हैं, और वहाँ उनकी हत्या सुनील राठी कर देता है। और सुनील राठी पुलिस को और जेल को ये बताता है कि उसने मुझे मोटा कहा इसलिए मैंने मार दिया। आपको हजम हुई बात? सुनील राठी को किसी ने मोटा कहा और उसने मार दिया, और सुनील राठी ये भी कह रहा है कि पिस्टल तो मुन्ना बजरंगी के पास थी, उसके माउजर को मैंने उससे छीन लिया और उसको मार दिया। आपको ये समझना होगा कि अंडरवर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो डॉन हैं जैसे मुख्तार अंसारी हैं, एक वो हैं जो शूटर हैं, जो शूट करते हैं, जो अपने डॉन के इशारे पे किसी को भी मार देते हैं बिना ये सोचे कि उसका दोष क्या है, उसका पाप क्या है, उसकी गलती क्या है। ये पाप मुन्ना बजरंगी ने किया था कि उन्होंने अपने डॉन के इशारे पर कई लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। लेकिन एक शूटर पिस्टल इस तरह से नहीं चलाएगा कि सुनील राठी उससे पिस्टल छीन ले और उसको पटक के उसी पे गोलियां डाल दे। अभी तो खबर ये आ रही है कि मुन्ना बजरंगी पे एक नहीं 2 पिस्टल से हमले हुए, और पिस्टल अगर सुनील राठी की बात आप मान लें तो क्या बागपत जेल में लाने वक्त मुन्ना बजरंगी के पास पिस्टल था? क्या पुलिस की सुरक्षा में वो पिस्टल के साथ सफर कर रहा था? अगर नहीं कर रहा था तो सुनील राठी के पास पिस्टल कहाँ से आया? मुन्ना बजरंगी के पास पिस्टल आया तो वो किसकी गलती है? क्या जेल प्रशासन सोया हुआ था? पूरी तरह से जेल प्रशासन की इसमें मिलीभगत है। हत्या जिसकी हुई वो कोई देवता नहीं था, अंडरवर्ल्ड का शूटर था, एक क्रिमिनल था, उस पर मर्डर और लूट के, रंगदारी के कई केसेस चल रहे थे। लेकिन किसी भी इंडियन का, चाहे वो क्रिमिनल हो या कन्विक्टेड हो, उसका जो लाइफ है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी हत्या हो और उसमें अगर कोई हत्या जिसकी, जिसके परिवार के सदस्य हुई, उसने कोई केस नहीं किया तो सरकार खुद से केस करती है, पुलिस खुद से केस करती है, क्योंकि लाइफ जो है स्टेट प्रॉपर्टी है। तो अगर मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई तो वो भी स्टेट की प्रॉपर्टी थी, भले वो क्रिमिनल था, वो एक्यूज था, वो अंडर ट्रायल था। तो आप ये देखिए कि पूर्वांचल का एक क्रिमिनल पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेल में लाया जाता है। बागपत में सिर्फ उस पर एक केस है, और वो केस है लोकेश दीक्षित एमएलए से रंगदारी मांगने का। वो लोकेश दीक्षित सुनील राठी के नज़दीकी हैं, लोकेश दीक्षित और सुनील राठी के संबंध अच्छे हैं। जेल में एक डॉन बंद है ब्रजेश सिंह, जो कृष्णानंद राय की का दोस्त, कृष्णानंद राय के नज़दीक था। कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ है।
कृष्णानंद राय की का जो दोस्त है ब्रजेश सिंह, उसके साथ जेल में बंद है सुनील मूछ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का डॉन है, और सुनील लाठी उसका चेला है। जैसे मुख्तार अंसारी के चेले हुए मुन्ना बजरंगी शूटर, उसी तरह से सुनील मूछ एक डॉन है जिसका चेला हुआ सुनील लाठी। दो पूर्वांचल का डॉन, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का डॉन किसी जेल में मिलता है और उसका शूटर दूसरे के शूटर को निपटा देता है। कहानी बहुत साफ है। इसमें सरकार के स्तर पे लापरवाही हुई, जेल प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई, लेकिन इसका खुलासा क्या लापरवाही हुई, किसने लापरवाही की, किसने गड़बड़ी की, ये तभी साफ होगा जब पुलिस पूरे मामले की बारीक जांच करेगी। और तब तक हम आप अटकल लगाते रहेंगे कि इसके इशारे पे हत्या हो गई, उसके इशारे पे हत्या हो गई, क्रिमिनल का सफाया चल रहा है, जेल के अंदर क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, जेल के बाहर क्रिमिनल माने जा रहे हैं, ये सब अटकलबाजी है। जब तक पुलिस की जांच से बिल्कुल साफ ना हो कि जो मुन्ना बजरंगी के शरीर में गोलियां मारी गई, क्योंकि गोली एक भी नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली नहीं मिली है, तो अब कैसे ये पता चलेगा कि वो एक पिस्टल की गोली है, दो पिस्टल की गोलियां हैं, जैसा कहा जा रहा है कि अंदर में दो पिस्टल थे और सुनील लाठी ने ही नहीं, एक और उसके साथी ने, दो लोगों ने मिलकर उस पर गोलियां चलाई, ये सब पुलिस की डिटेल रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा। तब तक अटकलें चलती रहेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, तो इस पूरे दरमियान ये मसला चर्चा का विषय बना रहेगा। और आखिरी बात, इसमें जो राजनीतिक एंगल है वो ये है कि जौनपुर से अभी अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर मुन्ना बजरंगी के मन में कुछ हसरतें पैदा हो रही थी, और ब्रजेश सिंह सांसद रह चुके हैं, धनंजय सिंह वहां से सांसद रह चुके हैं, और धनंजय सिंह के लिए जौनपुर से लड़ना फिर से जाहिर है कि वो लड़ना चाहते होंगे। और ये बताया जा रहा अंडरवर्ल्ड में कि जौनपुर के पिछले 6-8 महीने में कम से कम 17 ठेके धनंजय सिंह के लोगों के हाथ से मुन्ना बजरंगी के लोगों ने छीन लिया। तो धनंजय सिंह के लिए एक तो राजनीतिक खतरा पैदा हो रहा था कि मुन्ना बजरंगी अगले चुनाव में लड़ सकते हैं, दूसरा आर्थिक साम्राज्य पे उनके हमले हो रहा था। धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह सब दोस्त हैं, धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह कृष्णानंद राय ये सब एक तरफ के लोग हुए। तो ये जो हत्या हुई है, इसमें जाहिर तौर पे हत्या बागपत में हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन इसके सारे तार और कनेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं से जुड़े हुए हैं और वहाँ के राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, जिनकी राजनीतिक और आर्थिक हसरतों पे मुन्ना बजरंगी खतरा पैदा होने वाला था। हम फिर ऐसे ही किसी विषय पर आपसे बात करने के लिए मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए इन खबर का यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ये जो बेल है उसे भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल के हर मज़ेदार वीडियो से, इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट